हेलो दोस्तों, मैं हूँ इकबाल शाह। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है बाल। बालों का गिरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे ख्वातीन हो या मर्द हजरात, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन ये बात सच भी है यार कि बाल यकीनन आपकी खूबसूरती में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से जिनके जो बाल गिर चुके हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, बाल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत से उन्होंने फार्मूले अप्लाई किए, बहुत पैसा खर्च किया, उसके बाद भी वापस इनके बाल नहीं आए। तो आज आपको बेसिक टिप बताएंगे जिससे आप इजीली अपने बालों को खुद उगा सकते हैं, खुद बेहतर कर सकते हैं। एक एक तो ये आपके बालों को ग्रोथ में इजाफा करेगी वो चीज, और जो बाल जा चुके हैं वो भी वापस ला सकती है। तो चलते हैं दोस्तों अनियन मास्क की रेसिपी की तरफ। आपको बताते हैं किस तरह प्याज का आप मास्क तैयार कर सकते हैं, प्याज किस तरह प्याज के पानी से आप अपने बालों को उगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। जी दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं किस तरह आपने प्याज का मास्क तैयार करना है, किस तरह अनियन का वाटर निकालना है हेयर ग्रोथ के लिए बालों में। दो अदर प्याज देख सकते हैं हम, नॉर्मल जो अनियन होती है छील लिया और इसे हमने काट लिया, ठीक है, इतने उठाई और इसे काट लिया, बारीक चॉप कर लें, रफ कर लें, मर्जी आपकी। स्लाइस करने के बाद आपने बारीक काट लिया। इसी तरह बाकी अनियन ली, स्लाइस और उसके बाद चॉप, मर्जी आपकी, जिस तरह भी आप चॉप करना चाह सकते हैं। एक और प्याज, वन मोर अनियन जो मौजूद उठाई और सिर्फ कर लेना रफ चॉप या फाइन चॉप कर दिया। उसके बाद इसे हम शामिल करते हैं ग्राइंडर मशीन में प्याज को चॉप करने के बाद। इसमें हम शामिल करते हैं जो चॉप करके रखी है। जरा सा ऐड करना है पानी इसी के अंदर, दो अदर प्याज से बारीक काटने के बाद हमें शामिल किया जो से मशीन इतना पानी के अच्छी तरह से डिजॉल्व सके। बस उसके बाद से करना है कवर और अच्छी तरह से पीस लेना है, इसके कर लेना है पेस्ट नहीं। जी दोस्तों, इसका प्याज का हमने पेस्ट कर लिया है तैयार, और अब इसे हमने स्टैंड करना है। एक बाउल में स्टैंडर रखा और उसमें आपने प्याज शामिल किया, सब प्याज शामिल कर चुके हैं। अब इसे आपने हल्का सा करना है, दबाना है, प्रेस करना है स्पून से। हल्का सा और प्रेस करना है, ठीक है, और तब तक करते रहना जब तक इसका पानी आप प्याज का अर्क निकाल लें। उसके बाद आपने अपने बालों में अप्लाई करना है सरफेस पे, और आधे घंटे के बाद बाल वॉश करना है। एटलीस्ट वन वीक जरूर कीजिए, आप चाहें तो ट्वाइस भी कर सकते हैं, और ज़्यादा तंगे नतज देखेंगे और अपने बालों में इजाफा करेंगे, ग्रोथ में इजाफा होगा और कितने बाल भी वापस आएंगे। जिसका पानी निकाल चुके हैं और आप देखेंगे इसका काफ़ी इसका पानी हो चुका है तैयार। इसे आपने अपने बालों में अप्लाई करना है और हाफ एन आवर के बाद बालों को करना है वॉश। जी दोस्तों, किचन से वापस आ चुके हैं, और ये पेस्ट और ये प्याज का पानी निकालने के बाद अपने बालों में अप्लाई करना है, और आधे घंटे के बाद अपने बालों को वॉश करना है, ठीक है। और ये आपने वंस अ वीक एटलीस्ट जरूर करना है, हफ्ते में एक मरतबा जरूर करना है। आप चाहें तो 2 से 3 मरतबा भी जरूर कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। प्याज पहली बात कि आपकी अंदर की फौज को जगाए रखती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, वो जरासीम वो चीजें जो आपके बालों पर हमला करते हैं उनका प्याज खात्मा करती है। ब्लड सर्कुलेशन, खून की रवानी जब सही ना चल रही हो,
फिर भी बाल गिरते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को भी प्याज और लहसुन दोनों चीजें, प्याज अनियन एंड गार्लिक बेहतर बनाते हैं। इसके साथ लेते हैं इजाजत दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए। आई होप इंशाल्लाह आप सबके बाल और ज्यादा बेहतर होंगे एंड ठीक होंगे। लेते हैं इजाजत और जाने से पहले लाइक टू से एक बाल शाह को दीजिए इजाजत एंड डू सब्सक्राइब इन। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ग्रेट वीडियोस। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड दूर रहकर फिर विदा ना कहना, यादों में ना, टेक केयर, बाय।